नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। मैं अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, इसलिए मैंने लिखा है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक बुक जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स, इसका मैं ऑथर हूं। और ये बुक सैनिक स्कूल में 9th से 12th तक जामनगर में कंपलसरी कर दी गई थी, और उसके बाद मेरे ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, डीएवी डीपीएस में लेक्चर में अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में देता रहा हूं। वेल, इसी नाम से मेरा एक इंग्लिश टू हिंदी चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। तो इसके लगभग मैंने 59 वीडियोस डाले हैं। एक मेरा चैनल और है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, वो है वोकैबुलरी विद विमल कुमार तहीम। जो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं वोकैबुलरी, उनके लिए मेरा ये दूसरा चैनल है। तीसरा, मैंने बोंगोस के ऊपर एक रिसर्च की है, लगभग 40 साल की रिसर्च है, और उस रिसर्च को मैंने अपने इस चैनल में बताने की कोशिश की है कि कैसे हम बोंगोस, जो कि एक क्यूबा का इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीख सकते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक, तो बोंगोस एट योर फिंगर टिप्स के ऊपर मेरे लगभग 125 वीडियोस हैं। आप चाहे, आप में से खुद आप या आपके बच्चे या कोई भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो, तो वो मेरा इस चैनल को, बोंगोस एट योर फिंगर टिप्स को, वो देख सकता है और सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो। और एक मैं, मेरा रुझान है, मेरा शौक है, ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स, ये मेरा एक चैनल और है जिसमें मैंने लगभग 23 वीडियोस डाले हुए हैं और 40 वीडियोस और मैं आने वाले दिनों में डालने वाला हूं। सो वेल, मेरा और आपका एक ही मकसद है, दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ चलाना। सबसे पहले मैं स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा और कमिश्नर ऑफ पुलिस का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। और ये मेरा इंटरेक्शन 2019 में हुआ था, जिसका सबसे बड़ा फायदा मजनू का टीला, जो हमारा सिग्नल है, वो सिग्नल फ्री हो गया, जिसकी वजह से हर रोज हमें 5 लाख रुपए बचते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो वहां से दिन में जितने व्हीकल गुजरते हैं, अगर वो वहां पर खड़े रहते हैं रेड लाइट के ऊपर, मजनू का टीला जैसे कि पहले पोजीशन थी, वहां पर वो खड़े रहते थे और खड़े होने की वजह से उनका फ्यूल कंजप्शन जो है, अगर हम उसका एक्सपेंडिचर लगाएं तो पब्लिक मनी का 5 लाख रुपए पर डे बच रहा है आज की डेट में। वेल, इससे पहले कि मैं पूरी दिल्ली को सिग्नल फ्री हम कैसे कर सकते हैं, पूरी दिल्ली तो शायद नहीं हो पाएगी, पर 70-80% दिल्ली सिग्नल फ्री हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नए सुझाव, सजेशंस लेकर आया हूं। सबसे पहले हम दो चीजों के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा। एक, सिक्योरिटी थ्रेट।
security threat by abandoned or disused vehicle. पूरी दिल्ली में अगर हम ध्यान से देखें, जगह जगह का अगर सर्वे करें, तो कम से कम 1000 व्हीकल्स हमारे अनअटेंडेड या अबेंडेंड, जिसको हम कहते हैं डिसयूज्ड, पहले यूज में आते थे अब नहीं आते हैं, तो वो खड़े हैं और वो दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उनकी नंबर प्लेट, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो या कार हो या उनका इंजन नंबर, तो उनकी नंबर प्लेट या उनका इंजन नंबर वगैरह जो इलीगल या एंटी सोशल एलिमेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिक्योरिटी थ्रेट जो हमें अबेंडेंड, डिसयूज या अनअटेंडेड व्हीकल से है, उनको सड़कों से हटाया जाए। सिर्फ जनकपुरी में ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जनकपुरी में मोर देन 50 व्हीकल अनअटेंडेड खड़े, और दिल्ली पुलिस टाइम टू टाइम ये अनाउंसमेंट करती रहती है कि कोई भी अगर अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस को बताया जाए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑल ओवर दिल्ली का सर्वे करेंगे तो कम से कम 1000 अनअटेंडेड या अबेंडेंड या डिसयूज्ड व्हीकल खड़े हैं, और वो ना केवल खड़े हैं बल्कि जितनी जगह उन्होंने घेरी है वो सारी जगह गंदगी पैदा करती है। जैसे अगर एक कार खड़ी है तो उसके नीचे सफाई नहीं हुई है महीनों से, और उसका नुकसान आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि जब पेंडेमिक चल रहा है तो वो कितना नुकसानदेह है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी व्हीकल खड़े हैं अबेंडेंड, यानी कि छोड़ दिए गए हैं उनके ओनर्स की तरफ से, या डिसयूज्ड, जिनको अब वो इस्तेमाल नहीं करते, जिनके टायर डिफ्लेट हो गए हैं और जंग खा रहे हैं, वो व्हीकल दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएं। दूसरी जो चीज है वो है हमारा स्पीड ब्रेकर साइनेज। जितने भी हमारे स्पीड ब्रेकर हैं उनसे पहले, स्पीड ब्रेकर से पहले अगर हम पीछे जाएं तो पहले वहां पर साइन बोर्ड होते थे, ठीक, अब वो नहीं है। 90% केसेस में जहां स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं वहां पर कोई साइनेज नहीं है, तो ऑल ऑफ ए सडन जब ड्राइवर को पता लगता है कि आगे स्पीड ब्रेकर आया है और वो मेन रोड पर है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा पंखा रोड का, वहां पर 2-3 स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं जहां पर पीछे से आकर, क्योंकि आगे रुकेगा व्हीकल स्पीड ब्रेक को देखकर अचानक, तो पीछे से आकर वो एक्सीडेंट होता है। और ये पंखा रोड पर नहीं है, दिल्ली में और भी कई जगह है, ठीक, वहां पर ये संभावना एक्सीडेंट की बनी रहती है, ठीक। सो वेल, पहले तो हम ये दो काम जो बहुत जरूरी हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को करने चाहिए। अब बात आती है कि दिल्ली को अगर हम रिपोर्ट्स देखें दिल्ली के बारे में, तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। दिल्ली की जो हवा है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, जो हमारे सर्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहते हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर दिल्ली की है। हम उस एयर को कैसे साफ कर सकते हैं, या हम ट्रैफिक जहां पर बॉटलनेक्स बनते हैं तो हम उसको कैसे स्मूथ कर सकते हैं, जहां ट्रैफिक ऑलरेडी स्मूथ है हम उसको स्मूदर
बेहतर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी तक हम टी पॉइंट की बात करें या हम इंटरसेक्शन की बात करें या कई जगह आपने देखा होगा सर्कल बने हुए हैं, तो मैं यहां पर इंटरसेक्शन और टी पॉइंट के लिए ट्रैफिक हम कैसे नॉन स्टॉप चलता रहे, सिग्नल फ्री हो, इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं। ठीक, तो हमारे पास तीन मोड है। एक तो हम फ्लाईओवर बनाते हैं जो कम से कम 200 करोड़ का बनता है, या अंडरपास बनाते हैं, इसमें भी खर्चा बहुत होता है, या फिर हम एलिवेटेड रोड, आजकल जो चलन चला हुआ है एलिवेटेड रोड्स का। जैसे हम देखें कि विकासपुरी से लेकर और मुकरबा चौक तक दो एलिवेटेड रोड बने हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है इनके ऊपर कम से कम 1500 करोड़ रुपया खर्च आया है। 700 करोड़ रुपया पहले वाले एलिवेटेड रोड पर और 700 ही लगभग उसके ऊपर आया हो सकता है मेरी फिगर थोड़ी एग्जेजरेटेड हो, है ज्यादा हो, पर खर्चा तो आता है, चाहे आप फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए और एलिवेटेड रोड बनाए। अगर आप फ्लाईओवर भी बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक हमारा सिर्फ एक तरफ से सिग्नल फ्री होता है, दूसरी तरफ वो ट्रैफिक नीचे आपको सिग्नल लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो कुछ तो पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा कि कैसे हम इनको सिग्नल फ्री कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, दिल्ली में जहां पर भी जो भी मेजर्स लिए गए हैं, जो भी तरीके अपनाए गए हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक, इससे पहले कि मैं अपने सिस्टम के बारे में बात करूं, अपने जो मेथड्स हैं या जिनको तरीकों को मेजर्स को अपनाकर हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं, मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और पब्लिक एट लार्ज को बताना चाहता हूं कि जो मैंने 23 प्लान दिए हैं उनमें से चार प्लान एज इट इज लागू करने पड़ेंगे। नंबर वन, आईटीओ का प्लान जो है मैंने 2008 में दिया था और ये कोर्ट में पेंडिंग है। आईटीओ का मेरा प्लान अगर लागू करते हैं तो 60 लैक्स पर डे बचते हैं। मैं कोर्ट में भी कह चुका हूं, जहां भी कहना चाहता हूं अपने माध्यम से वीडियो के, कि मैं अपने कोर्ट केस को वापस लेने को तैयार हूं अगर ये प्लान मेरे नाम से लागू हो। दूसरा जो प्लान है वो है आरटीआर का। आरटीआर के प्लान से भी आपको लाखों रुपए रोज के बचते हैं, और ये ऐसे ही लागू करना पड़ेगा जैसा मैंने अपने प्लान्स में बताया है। ठीक, तीसरा जो मेरा प्लान है वो है रेसकोर्स रोड के पास, जो मेरा प्लान है वो भी एज इट इज ही लागू करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। और चौथा तो खैर बहुत इजी है, वो है प्लान नंबर मेरा TP16, जो मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, ये है आईटीओ के ऊपर जो डिवाइडर बना हुआ है पुराने पुल के ऊपर। मैंने सिर्फ सुझाव दिया है कि आप उस डिवाइडर को हटा दीजिए तो जो ट्रैफिक है हमारा वो बहुत स्पीड से ट्रांस यमुना की तरफ जाएगा। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं। सोवेल, एक तो हमारा राउंड अबाउट है तरीका, पर ये हर जगह कामयाब नहीं है। ठीक, और इसका एक वेरिएंट मैं आपको देना चाहूंगा, इसकी एक अलग किस्म है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और एक हमारा है टी पॉइंट, बैक टू बैक यू टर्न।
आप देखेंगे दिल्ली में जितने भी यू टर्न बने हैं उसमें जो व्हीकल यहां से आ रहा है वो स्पीड से आता है और यहां आकर टकरा जाता है, और जो इधर से आता है वो यहां आकर टकरा जाता है, और इससे काफी लोगों की डेथ भी हुई है। मैं यहां रेफर कर रहा हूं पर्टिकुलरली दिल्ली कैंट के पास जो रिंग रोड के ऊपर हमारा बना है यू टर्न, ठीक। इस यू टर्न को मॉडिफाई करना चाहिए, और ये यू टर्न कैसा होगा, ये हमारा यू टर्न यहां से आकर और यहां तक होगा, और इसी तरीके से ये यू टर्न हमारा यहां से लेकर ऐसे होगा। जब ये यू टर्न इस तरीके से बनेंगे, ठीक, और यहां पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये हमारा पीछे से इस तरीके से बन जाएगा ताकि जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है वो सीधा चला जाए, जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है उसको राइट मुड़ना है तो वो यू टर्न इस तरीके से लेके आए और चला जाए। तो आप देखेंगे अगर हम यू टर्न को थोड़ा सा पोर्शन यहां से मॉडिफाई करें, और यही यू टर्न है, दिस इज द न्यू वे ऑफ मेकिंग यू टर्न। और मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा, जब मेरा ट्रैफिक ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ तो वहां पर उन्होंने, डीसीपी एक ऑफिस है साउथ में, वहां पर उन्होंने इस तरीके का यू टर्न बनाया, और जहां वो बहुत सक्सेसफुल है वहां काफी डीसीपी ऑफिस के सामने जाम रहता था, वो अब नहीं रहता, ठीक। तो जितने भी यू टर्न है हमारे वो इस तरीके से बनेंगे ताकि जो ट्रैफिक आ रहा है वो इससे टकराए ना, इस वाले कोने से, और जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है, सपोज मैं अगर दिल्ली कैंट का लूँ, इसके लिए मैंने बकायदा एक वीडियो बनाया है क्योंकि वहां पर बहुत ट्रैफिक की संभावना रहती है एक्सीडेंट की, तो मैंने दिल्ली कैंट को लेकर भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जो ट्रैफिक हमारा मान के चलिए अगर इधर मायापुरी है या नारायणा है, जो नारायणा से आ रहा है वो ट्रैफिक सीधा आएगा और यहाँ टकराएगा नहीं, अगर ये नया यू टर्न इस तरीके से बनेगा, या जो एग्जिस्टिंग यू टर्न है उसको अगर हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना जीरो हो जाती है और ट्रैफिक भी हमारा स्मूथली चलता रहता है। जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि इस यू टर्न और इस यू टर्न में कम से कम 1 किलोमीटर का फर्क होना चाहिए, 1 किलोमीटर, या अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो कम से कम 100 से 150 किलोमीटर इस तरफ, 100 से 150 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 100 से 150 किलोमीटर चल जाएगा, उससे ट्रैफिक इजिली चलता रहेगा। अगर ये सेंटर है, जैसे ये हमारा ब्राड स्केयर के इधर से ट्रैफिक जो आता है, तो अगर हम इसको सेंटर माने तो 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर इधर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इस तरफ ये बनाया जा सकता है। ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी इसको मॉडिफाई करना चाहिए। और दिल्ली में जहां जहां इस तरीके के यू टर्न बने हैं, प्लीज आप फटाफट एक्शन लीजिए और इन यू टर्न्स को मॉडिफाई करिए, ठीक। तो मैंने एक तो मेरा ये सिस्टम है, चाहे टी पॉइंट हो, ये टी पॉइंट है, और चाहे इंटरेक्शन हो, इंटरसेक्शन हो, तो यहां से इंटरसेक्शन अगर होता भी है तो जो ट्रैफिक इधर से आएगा वो यहां से मर्ज होकर बड़ी आसानी से इधर जा सकता है, ठीक। ये कम से कम डिस्टेंस जो है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग, 150 मीटर्स का इधर, 150 इधर, मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए ताकि ट्रैफिक आसानी से मर्ज हो सके, ठीक। अब हम बात करते हैं सर्कल की, और सर्कल के साथ जुड़े हुए मेरे नए मेथड की, कि कैसे हम सर्कल के साथ हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं बहुत सारी जगहों को। तो हमें ये सर्कल है, सपोज
ये आप इसको कोन की तरह समझिए, जैसे एक कोन होती है आइसक्रीम की, वैसे कोन की तरह समझिए। और ये है हमारा चंदगी राम अखाड़े वाला रोड, ठीक। तो मजनू का टीला तो सिग्नल फ्री हो गया, लेकिन पीछे वाला जो चंदगी राम अखाड़ा था वहां पर मैंने बैक टू बैक यू टर्न का सुझाव दिया था, और उसको या तो प्रॉपरली देखा नहीं गया या उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो हमारा चंदगी राम का अखाड़ा है, टी पॉइंट है, इस तरफ आईएसबीटी है, इस तरफ मजनू का टीला है, तो ये रोड आगे जाके बीच में एक खाली जगह है जो इस तरीके की है, जहां पर एक इस तरफ तो बना हुआ है यू टर्न आईएसबीटी जाने के लिए, आईएसबीटी से आकर वापस आईटीओ जाने के लिए एक यू टर्न बना हुआ है, और ये जगह खाली है। तो आप चाहें तो इसको आगे जाकर यू टर्न यहां से दे सकते हैं, और काफी दूर है। तो अगर ये भी नहीं हो सकता तो एक सिंपल जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक आइसक्रीम की कोन की तरह, यहां मैंने स्पेस इसलिए ज्यादा छोड़ा है कि जब बस मुड़ती है तो उसका बैक साइड जो है वो यहां टकराए ना, ये बल्कि और इस तरीके से होना चाहिए मोड़कर, ठीक, इस तरीके से होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा होना चाहिए कम से कम चार लेन का, ये बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो जितना ट्रैफिक हमारा आईएसबीटी से आएगा वो सारा लेफ्ट मुड़कर और यहां से लगभग, यहां से मेन रोड से लगभग 100 मीटर पीछे इस तरफ महात्मा गांधी रोड पर आप ये यू टर्न बनाएंगे, तो जितना ट्रैफिक हमारा यहां रुका रहता है, मजनू का टीला से आगे यहां रुकता है, उसको राइट मुड़ना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां से लेकर और राइट टर्न लेके आ जाएगा और मर्ज हो जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 90% जो ट्रैफिक है हमारा थ्रू आउट द डे वो इस रोड पर चलता है स्ट्रेट, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक। मजनू का टीला से पीछे से जो शादरा वगैरह, या मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा, बट इधर से मैक्सिमम आते हैं, और उधर से मैक्सिमम बाहर जाना चाहते हैं करनाल रोड पर। तो मजनू का टीला सिग्नल फ्री होने के बाद चंदगी राम अखाड़ा, यहां पर चंदगी राम अखाड़ा है, ये चंदगी राम अखाड़ा, इस तरफ एक हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, आप उस ट्रॉमा सेंटर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, ये हमारा जो डिवाइडर है जो इतना छोटा है ये आगे जाके चौड़ा हो जाता है, ये काफी चौड़ा है डिवाइडर, कम से कम एक से डेढ़ लेन का है। तो एक तो हमें ये एक से डेढ़ लेन यहां मिलेगी, अगर तीन लेन इस तरफ है, तीन इस तरफ है, छह और एक सात, और थोड़ा सा पोर्शन हम पूरी सड़क की चौड़ाई जो है वो काफी बड़ी है। मैं पहले आपको और बताना चाहता हूं, कहीं पर भी हम यू टर्न बनाएं तो दोनों तरफ हमारा कितना होना चाहिए एरिया, कम से कम 80 फीट, 80 फीट होना चाहिए, ठीक। और जब भी यू टर्न बनेगा यहां पर जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इट शुड बी ऑफ 4 लेन्स, चार लेन का डिस्टेंस होना चाहिए, यहां पर बेशक आप 3 लेन ले लें या 2 लेन ले लें, तो ये ट्रैफिक चलता रहेगा, और जब ट्रैफिक चलता रहेगा तो ये चंदगी राम का अखाड़ा आपका सिग्नल फ्री हो जाएगा, ठीक। इस सिस्टम को मैंने बहुत जगह, इस सिस्टम को लागू करने का सोच रहा हूं, देखिए करना तो मैंने है नहीं, है, आई एम नो वन, नो वेयर, आई डोंट हैव पावर टू इंप्लीमेंट ऑल दीज प्लान्स, पर मैं सजेशन दे सकता हूं कि ट्रैफिक पुलिस का अगर एक भी हमारा सिग्नल जो है वो सिग्नल फ्री होता है तो उसके फायदे क्या है। सबसे पहले ट्रैफिक का मूवमेंट चलता रहता है, सिग्नल फ्री हो जाता है, जो काम हम
फ्लाईओवर से, अंडरपास से या एलिवेटेड रोड से करते हैं, वो काम हम इन दोनों चीजों से कर सकते हैं। एक बैक टू बैक यू टर्न, जो मैंने नया स्टाइल का था आपको बताया, जो पुराना यू टर्न जितने बने हुए हैं वो इनकरेक्ट है, उसमें एनोमली है, उसमें कमी है, डेफिशिएंसी है, ठीक, उसमें एक्सीडेंट होते हैं। जो मैं चीज बता रहा हूं उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारा चंदगीराम अखाड़ा है। तो जो ट्रैफिक हमारा मजनू का टीला की तरफ से आ रहा है, जो ट्रैफिक हमारा मजनू का टीला की तरफ से आ रहा है वो यहीं से स्ट्रेट चला जाएगा। जिसको महात्मा गांधी रोड पर आना है वो यहां से सर्कल से इधर राइट मुड़ जाएगा और इधर से टकराएगा नहीं, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, और ये यहां मर्ज होकर जिसको सीधा जाना है वो सीधा चला जाएगा, ठीक। जिस ट्रैफिक को सीधा जाना है सिविल लाइंस की तरफ वो सीधा चला जाएगा सिविल लाइंस, और जिसको यू टर्न लेके और वापस मजनू का टीला की तरफ आना है वो इस तरीके से मुड़कर आ सकता है, ठीक। एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि जब भी अगर ऐसा लगता है कि मेरा प्लान लागू हो सकता है, फिजिबल है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे एक बार बुला लीजिए उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को या टी पॉइंट को सिग्नल फ्री करने के लिए। आई विल नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी, ना मैं मांग रहा हूं ना मैं मांगूंगा, ये सर्विस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम अगले प्लान के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।